हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएस। माय नेम इज़ राहुल बर्नवाल। हम लोग जो है डीपीपी का कोर्स कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये कोर्स लॉन्च हुआ था 23 फरवरी से, और अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन को देख लिया है, पॉलिटी के 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इस कोर्स में डेली हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कम से कम, और ये कोर्स जो है दोस्तों 25 मई तक चलेगा, और आपका प्रीलिम्स जो है वो 28 मई को। डेली हम लोग जो है 50 से 60 से 70 से 80 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभी मिनिमम शुरू में 50 करेंगे, फिर उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम लोग 60 से 70 से 100 क्वेश्चन तक का भी ले जाएंगे, ठीक। अभी हम लोग के पास 90 दिन है दोस्तों, और अगर हम 50 60 से 100 क्वेश्चन तक जाते हैं, करते हैं डेली, तो हमारे पास 7000 से 8000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्रीलिम्स के पहले तक। दोस्तों यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है और 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, और जो इसका कट ऑफ जाता है वो 95 से 100 के बीच में जाता है। इसका मतलब 50% से कम। इसका मतलब यह है कि अगर आप 60 से लेके 65 क्वेश्चन को सही कर देते हैं दोस्त, तो आपका कट ऑफ नंबर जो आएगा वो 100 से 105 के बीच में आराम से आएगा, ठीक है, नेगेटिव को हटा के। इसका मतलब है कि अगर आप मान लीजिए 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 8000, तो क्या आपसे 60-65 क्वेश्चन नहीं बनेगा? आराम से बनेगा, है ना, क्योंकि इस सीरीज में आपको बताया जाएगा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, इसमें एक एक ऑप्शन को एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि वो ऑप्शन क्यों गलत है और यूपीएससी कहाँ कहाँ आपको जो है फंसा रहा है ऑप्शन में, ठीक है। इसके साथ ही हर जो टेस्ट होगा उसमें कुछ हैक्स और ट्रिक्स यूज होता है, जिसका भी प्रयोग हम लोग जो है करेंगे। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 90 दिन तक, तो कोई भी इंसान आपको यूपीएससी निकालने से नहीं रोक सकता है। आप यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस जरूर होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपका जीरो आईएएस में स्वागत है और आप बने हुए हैं राहुल बर्नवाल के साथ। दोस्तों ये जो कोर्स होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। ये बायलिंगुअल में कोर्स होगा क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा प्राइम मोटिव है, ठीक है। मकसद यही है कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं उनको गाइडेंस का अभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आराम से मेहनत कीजिए, गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका हार्डवर्क, मेरा गाइडेंस और मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। आपको पता है कि 1858 में जो रानी का जो डिक्लेरेशन था उसका क्या क्या ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या उद्देश्य था, ठीक है, समझ में आया। पहला है, टू डिसडेन एनी टेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। बोल रहा है कि इस प्रोक्लेमेशन में, इस उद्घोषणा में कि ये बोला गया था हम भारतीय राज्यों को अधिकृत नहीं करेंगे, अधिग्रहण नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा है, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इसमें जो भारत का जो प्रशासन था वो रानी के पास रख दिया गया था, मतलब रानी उसको करती, रानी के अंदर रखा गया था। अगला है, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। बोल रहा है कि भारत जो व्यापार करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसको रेगुलेट करना इस उद्घोषणा का मकसद था। हमें पता करना है करेक्ट, आप ऐसे करके गोला कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो देखिए, आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद रानी का डिक्लेरेशन आया, तो उसमें यह बोला गया था कि अब हम जो है भारतीय राज्यों को अधिग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आपको इसमें आपको झांसी वासी इसके पहले एनेक्स किया गया था, तो वहाँ के राजा लोग विरोध कर दिए अवध अवध के, है ना। तो ये बोल दिया गया अब हम जो है अधिग्रहण नहीं करेंगे, तो पहला गलत होगा। जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों ये बोल रहा है कि अधिग्रहण नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये सही है, यही तो बोला गया था। दूसरा, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन इसको आप रूल करेगी, पहले आप कंपनी रूल का था, अब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी, ये भी सही है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने के बात बोला गया था, ये तो गलत है दोस्तों, ये तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है ना। इसमें क्या हुआ था, कंपनी का तो रोल वोल सब खत्म हो गया था। 1813 में जो हुआ एक्ट आया, चार्टर एक्ट, उसमें बोल दिया चाय और चाइना को छोड़ के बाकी चीज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेड नहीं करेगी, और 1833 के बाद तो पूरी ख़त्म किया गया, तो ट्रेड का तो बात ही नहीं उठ रहा है ना। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत है, हमें पूछा है करेक्ट, हम तीसरा को काट देंगे, और 1 2 सही है तो हम जाएंगे ए ऑप्शन, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। आगे देखते हैं कि
विथ रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में मध्य जो आपका आधुनिक भारत है उसके रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोतेदार्स वेयर द शेयर क्रॉपर्स हु यूज टू लीज द लैंड ऑफ लार्ज पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन। ठीक, बोल रहा है जोतेदार जो था वो लोग थे जो वो शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है, जो ज़मीन को क्या करते थे लीज पे लेते थे बड़े किसानों का, मतलब बड़े किसानों से ज़मीन ले लेते थे और जो है वो क्या करते थे खेती करते थे, ये जोतेदार था ऐसा बोल रहा है स्टेटमेंट में। क्या जोतेदार जो शेयर क्रॉपर था क्या वो जो क्रॉप जो फसल उगाता था वो क्या शेयरिंग पे उगाता था, मतलब बड़े किसानों को ज़मीन ले लेता था रेंट पे और उससे जो है उधार ले लेता था रेंट पे और उससे खेती करता था, ये क्या जोतेदार थे आपको पता करना है। दूसरा, गो मस्थाज वेयर द लार्ज लैंड ऑनर्स हु कल्टिवेटेड देयर एग्रीकल्चर लैंड बाय हायरिंग लेबरर्स। पूरा गोमस्थ क्या था तो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे जो कल्टीवेट करते थे अपने जमीन को कैसे तो लेबरर के द्वारा, मतलब लेबरर को मजदूरों के द्वारा वो अपने बड़े बड़े खेतों का खेती करते थे और वो लैंड ऑनर थे, ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, बर्गदार्स वेयर द रूरल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टीवेट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, बोल रहा है बर्गदार्स वे लोग थे जो किसानों से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे ज़मीन का। ठीक है, हमें पता करना है कि कौन सा जो है करेक्ट है, कौन सा क्या है करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर पता है आपको कि जोतेदार मतलब जो जोतता था खेत, है ना, आपको पता है जोतेदार जो थे वो बहुत बड़े अमीर किसान हुआ करते थे, है ना, तो वो दूसरे से लैंड क्यों लेंगे, उनके पास तो खुद ही का ज़मीन बहुत ज़्यादा होता था, है ना। जोतेदार जो थे वो रिच फार्मर्स थे, ठीक, जोतेदार, और ये जो ज़मीन देते थे वो देते थे बर्गदार्स को, ठीक है, बर्गदार, तो बर्गदार जो है वो खेती करता था, ठीक है, तो इसका जो यहाँ क्या है यहाँ पे जोतेदार की जगह क्या होगा बर्गदार, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यूपीएससी क्या करता है एक चीज़ को दूसरे में इंटरचेंज करता है, ठीक है ना। अब देखिए, कहीं कहीं ज़मींदार को एक्सचेंज कर देगा जोतेदार से, जोतेदार को क्या कर दिया बर्गदार से, उसके बाद कहीं पे प्रीएम्बल है तो उसको कर देगा फंडामेंटल ड्यूटी, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कर देगा प्रेसिडेंट, तो ये एक्सचेंज करता है, ये एक ट्रिक है आपको समझना है, ठीक है ना। जहाँ भी टर्म वाला चीज़ हो जनरली आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, यहाँ पे टर्म है जोतेदार टर्म है गोमस्त था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज किया इंटरचेंज किया, आपको ध्यान देना है। फिर देखिए, अगर जोतेदार ये है जोतेदार तो आपका ये होगा वो क्या करता था शेयर क्रॉपर नहीं होता था, वो कौन होता था बर्गदार, तो बर्गदार का ऑप्शन ये होगा, तो ये भी गलत है, तो जनरली थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि थर्ड वाला फर्स्ट में, और जोतेदार जो है वो बड़े बड़े ये होते थे, है ना, जो उधार पे किसी को ज़मीन देते थे लेते नहीं थे, तो ये इसका होगा, ठीक है, ये भी गलत है, समझ गए। और जो गोमस्त होता था दोस्तों ये एक तरह का एजेंट होता था, ये एक तरह का बिचौलिया होता था जो जो आपका बुनकर है उससे रॉ मटेरियल लेता था और अंग्रेज़ों को देता था, मतलब ये जो कपड़े वपड़े का जो व्यापार के बीच में जो ये होता था मिडिल मैन बिचौलिया, वो उसको हम लोग बोलते थे गोमस्त, समझे। तो बर्गदार कौन था जो किराए पे ज़मीन लेके खेती करता था, जोतेदार कौन था जो अमीर अमीर किसान हुआ करते थे, और गोमस्त कौन था, गोमस्त था आपका एजेंट, ब्रिटिश सरकार का एजेंट जो सप्लाई को मेंटेन करता था, ब्रिटेन को क्या चाहिए था रॉ मटेरियल और कपड़ा चाहिए था तो इंडिया को उसे जोड़ता था, मतलब एजेंट से इंडिया के जो किसान है बुनकर है उसे जोड़ता था। तो हमारा तीनों गलत है, ठीक है ना, तो हम जाएंगे डी की ओर। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, दिस मुगल रूलर इशूड फरमान्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी गिविंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशंस टू द कंपनी, द बोल रहा है कि ये मुगल रूलर का हमें नाम पहचानना है कौन है वो, तो बोल रहा है ये जो मुगल रूलर था वो फरमान इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसको बहुत सारा व्यापार में छूट दिया था कंपनी को। दूसरा और स्टेटमेंट है, द फरमान दस ऑप्टेंड वेयर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, और जो फरमान ये राजा दिया था मुगल शासक उसको, उस फरमान को हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते थे कंपनी का। ये जो रूलर था, दिस रूलर इज द फर्स्ट मुगल रूलर टू बी किल्ड बाय द नोबल्स, तो जो इसके नोबल के द्वारा ये पहला मुगल रूलर था जो मारा गया था, कौन है ये राजा। तो देखिए आपको पता है कि अगर यहीं से आप पकड़ लीजिए फरमान कौन इशू किया था कंपनी को जिसको मैग्ना कार्टा बोलते थे, वो था आपका फारूक सियार, और फारूक सियार को ही जो है उसके नोबल मार दिए थे जिसको सैयद ब्रदर बोलते थे, है ना, हुसैन खान और अली खान, ठीक। और इस फरमान से कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था, इसीलिए उस फरमान को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा चीज़। तो हमें कौन सा रूलर पता है, तो वो है आपका दोस्तों फारूक सियार। आलमगीर तो आपको पता है, आलमगीर कौन था बताइए, आलमगीर कौन था, मोहम्मद शाह तो पता है आपको, मोहम्मद शाह जो है फारूक सियार के बाद आया था, और जहांदर शाह तो जिसको लंपट मूर्ख बोलते थे, है ना, वो तो एक साल शासन किया था 1712 से 13,
और फारूक सियार 13 से 19। मोहम्मद शाह कब से किया था बताइए? मोहम्मद शाह किया था 1724 से 1748 के आसपास का टाइम है इसका, ठीक है? तो यह ध्यान रखना। आलमगीर टू कौन था वो बताइए। इस तरह से हम लोग देखें, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है कि नहीं। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू अल्फांसो डी अल्बुकर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी टू इस्टेब्लिश पुर्तगाल एज ए लीडर इन द इंडियन ओशियन। बोल रहा है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था, ब्लू मतलब जो नीला जल का नीति, टू इस्टेब्लिश पुर्तगाल एज ए लीडर इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में पुर्तगाल राजा बने, शासक बने, लीडर बने, नेता बने, इसके लिए ब्लू वाटर नीला पानी की जो है नीति लेके आया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या ये लेके आया था? देखना है आपको। ही अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन हिज एरिया। बोल रहा है कि सती का जो प्रथा था उसने ख़त्म कर दिया था अपने एरिया में जहाँ भी वो शासक किया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ही कैप्चर्ड द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। बोल रहा है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको पता है कि ब्लू वाटर जो की नीति जो लेके आई थी वो आपका लेके आया था अल्मीडा, अल्मीडा जो लेके आया था ना, ठीक है, अल्मीडा लेके आया था ब्लू वाटर की पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी के द्वारा ये मकसद था कि पुर्तगालियों को इंडियन ओशियन में हम क्या बना दें, मेन लीडर, मतलब इंडियन ओशियन को पुर्तगाली कनेक्ट जो है कंट्रोल करे। तो वो लाया था अल्मीडा, अल्मीडा लाया था ना कि अल्बुकर्क लाया था, ठीक? तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा सती के, तो दूसरा अगर पहला गलत है तो मेरा ये और ये ऑप्शन गया, इसका मतलब थर्ड जो है ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि दोनों में इसको हमें चेक ही नहीं करना। मतलब ये सही होगा कि वो गोवा से कैप्चर किया था बीजापुर से, ठीक है? कौन? अल्बुकर्क। क्या है वो सती को ख़त्म किया था? हाँ, वो सती को, उस एरिया को ख़त्म किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जो पुर्तगाली है वो भारत के धार्मिक में, नीति में, रिलीजियस मैटर में हस्तक्षेप करते थे, और उस समय सती चलता था, तो वो सती को हटा दिए, है ना? कौन? आपका अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ये भी बोला था कि इंडियन के जो महिला है उससे जो है पुर्तगाली शासन करे, ताकि हम लोग का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो और हम लोग शासन आसान से कर पाएँ, ठीक है? ये भी बोला था अल्बुकर्क, ठीक? तो ये हमारा गलत होगा, ये और ये सही है, तो हम जाएंगे 2 और 3, हम जाएंगे बी, क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट, ठीक है? तो आप इसको गोला कीजिएगा, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अगला स्टेट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंडियाज अपोजिशन टू ई ट्रांजिशन मोरेटोरियम एट WTO। दोस्तों, हर मतलब टेस्ट में आपको कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सबसे बड़ा रीजन है कि भारत ने अपोज किया, कि इसको अपोज किया, तो WTO में जो ई ट्रांसमिशन मोरेटोरियम लाया गया उसका अपोज किया, तो भारत क्यों अपोज किया वो पूछा गया है, ठीक है? पहला, टू कंट्रोल द पॉलिसी स्पेस फॉर डिजिटल एडवांसमेंट एंड टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी। बोल रहा है कि इसका पहला लक्ष्य था, इस भारत को अपोज करने का कारण था कि भारत जो है पॉलिसी स्पेस को कंट्रोल करना चाहता था, ताकि हम डिजिटल में एडवांसमेंट कर पाएँ और हम लोग को रेवेन्यू मिल पाए, इसलिए भारत अपोज किया। दूसरा, टैरिफ लगाना चाहता था भारत ऑन इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, क्योंकि भारत लगाना चाहता था टैरिफ कि अब जो है इंपोर्ट सामान नहीं होगा इंडिया में। अगला है, टू इम्पोज नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। इसका है कि मतलब है कि भारत जो है नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता था, नॉन टैरिफ टैक्स। टैरिफ टैक्स मतलब जो हम लोग टैक्स को बोलते हैं टैरिफ, ठीक है? नॉन टैरिफ मतलब जो टैक्स नहीं होता है, जैसे हम लोग लगा दिए कि इससे ज़्यादा सामान किसी देश में नहीं जाएगा, तो हम लोग किसी चीज़ पर लगा रहे हैं टैक्स नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्वान्टिटी फिक्स कर दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो है सामान नहीं जाएगा, ये है नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसका मतलब है कि भारत जो है इसके जरिए जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, उस पर नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, इसलिए भारत अपोज किया। फिर है, टू प्रिवेंट रेवेन्यू लॉस बाय इम्पोजिशन ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी एंड ई कॉमर्स कंपनी। बोल रहा है इसके इस स्टेप के द्वारा भारत जो है ई कॉमर्स कंपनी पे जो लेवी लगता था इक्विलाइजेशन लेवी, उसका अपोज किया, ठीक है? अब इक्विलाइजेशन लेवी क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग आराम से आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे मृणाल सर वाला PDF में, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, भारत इसलिए अपोज किया था दोस्तों, क्योंकि विदेशी का पता है आपको कि बाहर की जो मूवी है ना, वो भारत में इंपोर्ट की जा रही है, मूवी हो गया, वेब सीरीज हो गया, ये आ रही है, वीडियो गेम्स, तो उसमें क्या है, बाहर के विदेशी लोग जो चाह रहे हैं, विदेश के लोग, इंडिया जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री है, कि इसमें कोई टैक्स ना लगे, और भारत बड़ा मार्केट है, तो भारत को वो सामान आसानी से आने पाए। लेकिन इससे होगा कि जो भी पैसा कमाएगा वो विदेशी कंपनी कमाएगा अगर भारत टैक्स नहीं लगाएगा, तो इसीलिए भारत अपोज किया था कि नहीं, हम लोग जो भी सामान बाहर से आएगा डिजिटल चीज़ जैसे मूवी वूवी, उसका हम लोग टैरिफ लगाएंगे, इसीलिए हम इंडिया अपोज कर रहा है इसके मूव को, इसलिए इंडिया जो अपोज कर रहा है ई ट्रांसमिशन
मोरेटोरियम, जो बोलता है कि नहीं टैक्स वैक जो है कम करेगा, लेकिन भारत अगर बोल रहा है कि टैक्स अगर कम करेगा और इंडिया मार्केट प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग को तो रेवेन्यू लॉस होगा। इसीलिए इंडिया जो है इसको अपोज किया था ताकि हम लोग रेवेन्यू का जो है जनरेशन हो, है ना, रेवेन्यू हम लोग कस्टम ड्यूटी से लगाएं। और कस्टम ड्यूटी क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लग रहा है, बाहर से जब कोई सामान आता है या जाता है तो उस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए पाँचवा का जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू रॉबर्ट क्लाइव एंड जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स, डुप्लेक्स आपने पढ़ा था उसके बारे में, उसके रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है डुप्ले जो था वो ओरिजिनेटर था प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो जो सहायक नीति थी दोस्तों, है ना, सब्सिडरी अलायंस जो सहायक नीति थी वो उसका जो ओरिजिनेटर था, उसका जो सबसे पहले लाया था वो था डुप्ले, ये बोला है। दूसरा स्टेटमेंट है अनलाइक रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले नेवर लेड एन आर्मी ऑन द बैटल फील्ड। बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव के अपोजिट में डुप्ले जो है कभी भी युद्ध लड़ने के लिए स्वयं नहीं आया। कहने का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जब भी जाता था लड़ने के लिए तो वो युद्ध क्षेत्र में जाता था, उसके अपोजिट जो है डुप्ले कभी नहीं गया, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने एबोलिश कर दिया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बोल रहा है जो दोहरा जो नीति था, दोहरा सरकार जो था, उसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ख़त्म कर दिया। तो देखिए आपको पता, अगर पूछा मैं करेक्ट, अगर आपको पता है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव जो है डुअल सिस्टम को ख़त्म नहीं किया था बल्कि लाया था, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत होगा, तो हमारा ये गलत हो गया क्योंकि तीसरा इसमें दिया है। अब देखिए ये भी आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो युद्ध में लड़ने के लिए जाता, लेकिन डुप्ले जो है वो नहीं जाता था, है ना, वो खाली ऑर्डर देता था। इसलिए फ्रांसीसी, आपको पता है डुप्ले कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था, है ना, इंडिया में कमांडर था। इसलिए फ्रांसीसी का हारने का एक कारण था कि वहाँ के जो कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते थे, वो भेज देते थे सैनिक को, लेकिन उसके अपोजिट ब्रिटेन का जो कमांडर होता था वो जाता था सेना लेके, है ना। इसलिए हमारा जो है ये सही होगा क्योंकि डुप्ले जो है नहीं जाता था। फिर डुप्ले वाज जो डुप्ले सब्सिडरी अलायंस लाया था इंडिया में, वो उसका ओरिजिनेटर था। देखिए ऑफिशियल रूप से सब्सिडरी अलायंस जो लाया था वो आपको कौन लाया था बताइए, लॉर्ड वेलेसली लाया था, जिसका शासनकाल था 1799 से 1805 के आसपास, ठीक। तो जो है कौन लाया था, ठीक है, तो ऑफिशियल रूप में हम देखें कि उसको लाया था आपका लॉर्ड वेलेसली, लेकिन उसका जो संस्थापक था, किसका, सब्सिडरी अलायंस का, सहायक नीति का, वो उसका कौन था, उसका संस्थापक था आपका डुप्ले, ठीक है। ये हैदराबाद के साथ लाया था, हैदराबाद के साथ। तो ये सही हमें पूछा है, करेक्ट, हम जाएंगे वन और टू की तरफ, तो इसका आंसर होगा ए, तो सिक्स का होगा ए। अगला देखते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अराइवल ऑफ यूरोपियंस। भारत में जब यूरोपियन का आगमन हुआ तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री वॉज सेट अप एट कैलीकट बाय वास्को डी गामा। तो पहला जो पुर्तगाली फैक्ट्री जो इंडिया में बना था वो कैलीकट में बना था, पुर्तगालियों के द्वारा कैलीकट में, और उसको बनाया था वास्को डी गामा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है द फ्रेंच वेयर द फर्स्ट टू सेट अप फैक्ट्रीज इन पौंडीचेरी। बोल रहा है पुडुचेरी में फ्रांस जो है पहला फैक्ट्री लगाए थे पौंडीचेरी में, ठीक। पहला आदमी थे जो पौंडीचेरी में फैक्ट्री लगाए थे वो था फ्रांस, ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा है जो डच थे वो पहली फैक्ट्री लगाए थे मसूलीपट्टनम में, ठीक है, हमें पता करना है, करेक्ट, आप गोला कर लीजिए इसको। तो आपको पता है, देखिए वास्को डी गामा आया था इंडिया में 1498 में, वो आया था क्या लेके, अपना पैसा वैसा लेके आया था, फिर जहाज़ से लेके मसाला लेके गया था, तो वो फैक्ट्री थोड़ी खोला था दोस्तों। फैक्ट्री जो इंडिया में खोला है वो आपको खोला है आपका पुर्तगाली, उसका नाम था कैबरल ने खोला है, वो भी खोला था आपका शायद 1500 के आसपास, ठीक है, 1500 के आसपास, उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 1500 के आसपास खोला था कैलीकट में, कौन, कैबरल। वास्को डी गामा तो आया, मसाला लेके गया, बेच के खूब पैसा कमाया, मतलब यूरोप में। तो ये तो हमारा गलत होगा कि पहला, ये आया जरूर था लेकिन पहला फैक्ट्री जो था वो कैबरल खोला था 1500 में, ठीक, ये नहीं खोला था। बोल रहा है कि फ्रांस पहला थे जो फैक्ट्री खोले थे पौंडीचेरी में। देखिए दोस्तों, फ्रांस जो था वो लास्ट में आया था ना, ठीक, तो ये जो भी किया वो लास्ट में किया होगा ना, पहले इसके पहले आपका पुर्तगाली आया, डच आया, इंग्लिश आया, फिर ना लास्ट में फ्रेंच आया। तो इसका मतलब ये तो हमें नहीं बोल सकते ना कि पौंडीचेरी में पहला फैक्ट्री जो खोला था वो फ्रांसीसी खोला था, वो तो लास्ट में आया, छोटा मोटा फैक्ट्री तो कोई ना कोई खोला होगा, है ना। तो ये भी एलिमिनेशन का तकनीक है, आप देखिए कि उसका लॉजिक समझिए कि जब वो लास्ट में आया था तो कोई चीज़ को पहले कैसे खोल देगा, तो ये गलत होगा। पौंडीचेरी में वो रूल करता था फ्रांसीसी, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले ही वहीं पर खोला था। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, लॉजिक कभी भी जो है गलत नहीं होता है, आप गेस करेंगे ब्लाइंडली गेस,
या सोचेंगे कि यार मैंने ये कहीं पढ़ा था, सुना सुना लग रहा है, तो सुना सुना चीज़ जनरली गलत होता है। आप लॉजिक लगाइए, आपका वो सही होगा, ठीक है। तो ये गलत हुआ। डच जो है पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपटना में खोले थे, ये हम लोग पढ़े भी हैं। और इसे भी देखिए, अगर आपका पहला दूसरा पहला गलत है तो ये गया, दूसरा गलत है तो ये गया, आपका ऐसे ही आंसर निकल गया, भले आपको तीसरा पता है या नहीं। तो आप याद कर लीजिए, डच जो खोले थे वो मसूलीपट्टनम, आप याद कर सकते हैं DM, डच मसूलीपट्टनम, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द 18th century। इंडिया बोल रहा है 18वीं सदी के भारत में जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन था उस समय वो कैसा था, उसके संदर्भ में विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पे। पहला है नो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन प्रिवेल टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कास्ट। बोल रहा है जाति को फॉलो करने के लिए, जाति को निभाने के लिए कोई भी उस समय जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं था। मतलब जाति को अगर बनाना है, जाति को फॉलो करना है, तो उसके लिए कोई भी नियम कायदा कानून उस समय नहीं था। मतलब बोल रहा है कि जिसको फॉलो करना है करे, जिसको नहीं करना है मत करे, समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा, कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड एमंग द हिंदूज ओनली एंड नॉट एमंग द मुस्लिम। वो जो जाति व्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू में था, मुस्लिम में नहीं था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे एलिमिनेट कीजिएगा। और पर्दा सिस्टम वॉज फाउंड ओनली अमंग द हिंदूज नॉट मुस्लिम। और पर्दा सिस्टम मुस्लिम में था, मुस्लिम में नहीं था, हिंदू में था। ये तीसरा स्टेटमेंट है, कथन है। चौथा, डॉरी वॉज वाइडली प्रिवेलेंट इन बंगाल एंड राजपूताना रीजन। डॉरी जो था, दहेज प्रथा, वो बंगाल में भी था, राजपूताना बहुत था। हमें पता करना है करेक्ट, ठीक। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम के लिए कोई रेगुलेशन नहीं होता था। अब दूसरा पढ़िए, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। अगर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था तो कहीं ना कहीं उसको लागू करवाने के लिए कोई कोई इतना संस्था होगा, जाति पंचायत ये सब होगा। तो पहला और दूसरा जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और पहला और तीसरा भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पर्दा सिस्टम भी, वो भी एक तरह कहीं ना कहीं जाति वाति से लिंक है, और डॉरी भी जो है वो भी जाति से लिंक है। तो पहला तो कोई हालत में नहीं होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो है उस समय का जाति व्यवस्था को बताया जा रहा है। तो पहला तो ऐसे ही गलत होगा। अब वैसे ही बताइए कि जाति व्यवस्था तो उस समय बहुत चरम लेवल पे था ना। जाति पंचायत पंचायत होती थी, और उसको फाइन्स के थ्रू, फाइन वाइन दिवा के या उसको कड़ी सजा दिया के उसको फॉलो किया जाता था जाति व्यवस्था। तो पहला तो मेरा जो है गलत होगा, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं था। फिर देखिए, कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदू में था, मुस्लिम में नहीं था, ऐसा तो नहीं होगा। समाज तो एक ही था, तो जो हिंदू में था वो मुस्लिम में भी था, है ना। लॉजिक यही कहता है ना, मुस्लिम तो ऐसा नहीं है कि उसे बचे गए होंगे जाति से, तो मुस्लिम में भी था। आपने सुना होगा अशरफ मुस्लिम, अशरफ मतलब हाई कास्ट मुस्लिम, और एक होता है अजलफ मतलब लो कास्ट मुस्लिम। तो वहाँ भी कास्ट था मुस्लिम में, अशरफ एंड अजलफ। अशरफ मतलब हाई कास्ट, अजलफ मतलब लो कास्ट। तो हमारा ये गलत होगा। बोल रहा है कि पर्दा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहाँ था, हिंदू में था, मुस्लिम में नहीं था, ऐसा नहीं है। पर्दा सिस्टम दोनों जगह होगा, समाज तो एक ही है। साउथ इंडिया में कम था पर्दा सिस्टम, लेकिन नॉर्थ इंडिया में था दोनों में। तो ये भी गलत हो गया। डॉरी था, तो डॉरी तो आज से थोड़ी चल रहा, वो बहुत पुराना है, दहेज प्रथा। तो बंगाल में, राजपूत में तो दहेज लिया ही जाता था। तो हमारा सिर्फ यही सही है, हमें पूछा करेक्ट, तो हम जाएंगे डी में, ठीक है दोस्तों। तो लॉजिक भी अप्लाई कीजिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में। जहाँ आपको डायरेक्ट नहीं पता है वहाँ से आप लॉजिक से डिराइव करें, यही इस कोर्स का जो है यूनिकनेस है, ठीक है, अनोखापन है यही, कि आप जो है धीरे धीरे करके सब सीखते जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है दोस्तों, अभी जर्नी बहुत है। देखिएगा आप जब प्रीलिम्स देंगे तो आपको कितना ये सब पे कमांड हो जाएगा, और आसानी से आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, ठीक है। UPSC में जो ज़्यादा पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप कम पढ़िए, लिमिटेड चीज़ पढ़िए, रिवीजन बार बार, प्रैक्टिस ज़्यादा, तब आपको प्रीलिम्स निकलेगा। नहीं तो ज़्यादा अगर पढ़ के लोग निकालने होते तो दिल्ली में जो 5 से 6 7 साल से रह रहे हैं उनका तो पहले सिलेक्शन होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं होता ना। और जो एक बार UPSC निकाल लेता है वो लवासना में चले जाते हैं, मान लो IPS के लिए सिलेक्शन हो गया या किसी और पोस्ट के लिए, उनको IAS के लिए अगर देते हैं तो लवासना में उनकी ट्रेनिंग चलती है सालों भर, फिर भी वो 1-2 महीने में पढ़ के निकाल लेते हैं। और जो दिल्ली में रह रहा है पूरा साल भर पढ़ रहा है, वो उसका नहीं निकल रहा है। तो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि UPSC का डिमांड क्या है, उनको पता है कि किस तरह से UPSC फंसाता है, और कहाँ लॉजिक अप्लाई करके, कहाँ हल्का सा नॉलेज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही आपको इस कोर्स में सिखाएंगे, इसीलिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू, अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रामोसी पीजेंट फोर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको भी हम लॉजिक से बनाएंगे दोस्तों। बोल रहा है कि रामोसी पीजेंट जो फोर्स है, रामोसी जो किसान विद्रोह हुआ था फोर्स पे, उसके संदर्भ में कीजिए निम्नलिखित कथनों पे विचार। इट्स एक्टिविटीज वेर कन्फाइंड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि ये इसका जो क्रियाकलाप था वो भारत के पूर्वी भाग में था, ठीक है।
पहले। दूसरा है इट्स ऑफ इंडियन मनी लेंडर एज द रियल इनेमी एंड नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल रहा है कि रामोसी पीजेंट में किसानों ने जो भारत में जो मनी लेंडर थे, जो जब पैसा देते थे मनी लेंडर, ठीक है, साहूकार बनिया, उसके विरोध में था, ना कि ब्रिटेन के विरोध में, ठीक है। अगला है इट ओनली यूज लीगल मेथड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड नॉट डिड रिसोर्ट टू वायलेंस। बोल रहा है ये लोग हिंसा का प्रयोग नहीं किए बल्कि कानून का प्रयोग किए, कानूनी रास्ता का। अगला है इट एम टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्टिविटी थ्रू डकैती। बोला डकैती के थ्रू ये जो है अपना पैसा इकट्ठा करते थे, तो करेक्ट बताना है। अब देखिए वो छाटिए जो ऑप्शन आप लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, अपोजिट में। देखिए बोल रहा है कि इसमें वायलेंस का प्रयोग नहीं करता था और ये बोल रहा है डकैती करता था, तो बिना वायलेंस का डकैती हो पाएगा क्या? नहीं। मतलब ये और ये में हमें एक छाटना पड़ेगा, एक ही सही होगा, मतलब तीन और चार साथ में नहीं हो सकता। फिर देखिए इट्स एक्टिविटी वेयर कन्फाइंड टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है ये नहीं पता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल, विद्रोह। तो विद्रोह जब भी जनरली होता है तो वो वायलेंस का प्रयोग करेगा ही, तो वायलेंस का प्रयोग करेगा। लेकिन तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है ये बोल रहा है सिर्फ कानून का प्रयोग करता था, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये गलत हुआ तो चौथा सही होगा, क्योंकि डकैती तो करेगा ही पैसा कलेक्ट करने के लिए वायलेंस, तो फोर सही होगा मेरा। फोर अगर सही हुआ तो वन एंड थ्री गलत हो गया, सिर्फ ये बचा। अब देखिए इट्स एक्टिविटी वर कन्फाइंड टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। रामोसी आपने पढ़ा होगा कि, तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था वेस्ट इंडिया में हुआ था ना, और इसको जो किए थे वो उसका नाम था वसुदेव बलवंत फडके, ठीक। और ये जो हुआ था 1879 में, तो उतना आपको जानना नहीं है, बस वेस्ट इंडिया में हुआ था, ईस्ट इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक। तो पहला गया तो ये गया। अब हमें चेक करना है कि दूसरा सही है कि नहीं। बोल रहा है कि इसमें मनी लेंडर को हम लोग ने पहचान बनाया था, मनी लेंडर का विरोध में विद्रोह किए थे, ना कि ब्रिटिश। किसान है, किसान तो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको नहीं पता है क्या कि टैक्स कौन बढ़ा रहा है, टैक्स कौन बढ़ाएगा? अंग्रेज बढ़ाया था, परमानेंट सेटलमेंट और ये सब लेके आया था, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था, है ना, स्थाई बंदोबस्त, उसके बाद जो रैयतवाड़ी लेके आया था, महलवाड़ी लेके आया था, तो ये सब तो ऐसे ही गलत होगा हमारा, ठीक है। ये वाला कि मनी लेंडर नहीं, वो सोच जान लिया था कि मेरा जो विद्रोह है, विद्रोही है, वो है अंग्रेज, तो दूसरा बोल रहा है कि नहीं सरकार के विद्रोह नहीं किया, तो हमारा ये भी गलत होगा। सिर्फ मेरा सही बचा कि वो डकैती के थ्रू ही पैसा इकट्ठा करता था, हम जाएंगे 9 का C, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव एंड द इंस्टीट्यूशंस दे आर एसोसिएटेड विथ। तो बोल रहा है कि एक तरफ हम लोग का दिया है इनिशिएटिव और दूसरे तरफ दिया है इंस्टीट्यूशंस। लीड आईटी इंस्टीट्यूशंस हो गया, मतलब इनिशिएटिव हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था का नाम हो गया, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कौन जारी करता है उसका संस्था का नाम, ठीक है, ये मैच करना है। तो देखिए स्टॉकहोम, आपको स्टॉकहोम पता है, आपको आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जब हुआ था किस पे, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे 1972 में, ठीक है, उसी को 50 साल जब हुआ तो हम लोग मनाए स्टॉकहोम। ये जो बात हुआ था ये हुआ था स्टॉकहोम में, इसीलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते थे 1972 को, जब यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में सजग हो रहे थे, 1972 में हुआ था। फिर उसके 50 साल हुआ तो 2022 में हमारा स्टॉकहोम प्लस 50 हुआ, ठीक। तो ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से मेंशन नहीं है, ये पहला गलत हो गया, इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। एक होता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और दूसरा होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है उसको जारी करता है IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये स्विट्जरलैंड में एक संस्था है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जारी करता है वो करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल वाला कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड वाला कौन करता है, IMD। तो ये सही है आपका तीसरा, क्योंकि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में दिया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, IMD, ठीक। लीड आईटी क्या है दोस्तों, ये जो है भारत सरकार जो है और स्वीडन की सरकार लॉन्च किया था, ठीक है। हमें पता है कि आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, COP 21 को पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं, इसमें हम लोग UN यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क UNFCCC है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसमें COP 21 उसके बाद हम लोग लॉन्च किए थे 2015-16 में COP 21, जिसमें हम लोग बोले थे कि हम लोग जो है वैश्विक टेम्परेचर को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे, तो उसी को लागू करने के लिए 2019 में स्वीडन की सरकार और भारत सरकार जो है लॉन्च की थी लीड आईटी, जिसमें बोलते हैं लीडरशिप फॉर
इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन, उसमें इंडस्ट्रीज को बोला गया कि आप जिस तरह से ट्रांजिशन में हैं, मतलब किस तरह से आप चेंज करेंगे, तो उसमें आप क्लाइमेट चेंज का ध्यान देंगे। मतलब कि आपको अगर कितना मशीन यूज करना है तो आप देखेंगे कि वही मशीन को लाएंगे जिसमें से आपका पोल्यूशन कम होगा। उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी सपोर्ट किया था, तो लाया था स्वीडन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, लेकिन उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी सपोर्ट किया था। तो ये भी हमारा सही है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड आईटी याद रखिएगा, COP 21 से डील है, इसको लागू करने के लिए भारत की सरकार ने और स्वीडन की सरकार ने 2019 में लाया था, और COP 21 आया आपका 2015 से 2016 में, ठीक। इसको जो सपोर्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हमारा दूसरा तीसरा सही है, हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे सी की ओर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्टॉकहोम 50 ये आपको पूछ सकता है, ठीक। लीड आईटी तो थोड़ा पुराना है तो कम चांस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11, द स्टेपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी वेयर। बोल रहा है कि जो जो सामान अंग्रेज भारत से ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे बंगाल से, वो क्या क्या ले जाते थे 18th सेंचुरी में, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ जो है भारत से अंग्रेज ले जाते थे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत जब अंग्रेज जब आए थे भारत, तो क्या क्या चीज़ का वो व्यापार करते थे भारत से ले जाके यूरोप में। तो देखिए, पहला है रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, बोल रहा है अफीम, तिलहन और कच्चा कॉटन। दूसरा शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लीड, चीनी का, नमक का, जिंक का, लीड का, मतलब लीड माने शीशा, तांबा का, चांदी का, सोना का, मसाला का और चाय का, कॉटन का, सिल्क का, साल्ट पीटर मतलब सूरा होता है जिससे हमको बारूद वारूद बनता है, और अफीम का। देखिए अगर पता है तो एलिमिनेट करके बनाएंगे, तो बताइए नमक का वो क्यों करेगा, नमक किसे बनता है, समुद्र का पानी से, तो क्या ब्रिटेन में पानी नहीं है क्या, चारों तरफ तो वो समुद्र है, तो हमारा बी गलत होगा। सोना, सोना इंडिया में होता था क्या, ज़्यादा नहीं होता था, जो कोलार गोल्ड माइंस है वो भी वहीं पे होता था, वो भी लिमिटेड है, तो सोना का क्यों करेगा, ब्रिटेन में सोना का कमी है क्या, सोना चांदी ये सब भरा पड़ा है, ये भी नहीं होगा। मसाला का करता था लेकिन सोना चांदी का नहीं करता था। रॉ कॉटन, ऑयल सीड एंड ओपियम, ऑयल सीड तिलहन का क्यों करेगा दोस्तों, जो ऑयल सीड होता है वो आपका रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप जो होता है वो ठंडे एरिया में होता है, तो ब्रिटेन तो ऐसे ही ठंडा है, तो वहाँ पे तेल का क्यों करेंगे, वहाँ पे आपको पता है यूक्रेन जो है अभी वहाँ पे ऑयल सीड, मस्टर्ड वस्टर्ड खूब होता है, सरसों है ना, न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा, ये भी गलत है। तो हमारा होगा डी, हमने एलिमिनेट करके बना लिया आपको। अब देखिए सूती वस्त्र का कितना डिमांड था ना, उसका सिल्क का भी डिमांड था, साल्ट पीटर सूरा का तो डिमांड होता ही था, और अफीम तो वो लोग भाई करते ही थे, अफीम का खेती है ना, इंडिया से अफीम का होता था, पहले चाइना में होता था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि हम चाइना पे डिपेंड ना करें, इसलिए अफीम उगाते थे कहाँ पे, इंडिया में, ठीक। तो 11 का आंसर होगा डी, ठीक। अगला स्टेट, इस तरह से आपको लॉजिक लगा के एलिमिनेट भी करना है, नहीं पता आप ये सब चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, कितना चीज़ आप याद कीजिएगा, लेकिन लॉजिक लगाइएगा तो वो सही होगा, ठीक है। तो लॉजिक हमेशा सही होता है, समझ गए, क्योंकि लॉजिक लगाया जाता है आपको नॉलेज के आधार पर और ब्रेन का यूज करते हैं, है ना, तुक्का नहीं मारना है, अंदाजी, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग, कि आप सोच समझ के गेस कीजिए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रीजन्स फॉर द क्वेस्ट ऑफ यूरोपियंस टू फाइंड ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। बोल रहा क्या कारण था कि यूरोपियन जो है, यूरोप के लोग वो चाहते थे कि इंडिया से हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं, हम लोग इंडिया में एक रास्ता खोज लें कि जिससे हम डायरेक्ट जो है इंडिया में जा पाए। क्यों अंग्रेज जो है, क्यों यूरोप के लोग एक नया रास्ता है भारत के लिए ढूंढे। पहला है डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीज इन यूरोप। भारत में जो इंग्लैंड में जो भारत का महंगा सामान था, लग्जरी गुड्स था, उसका डिमांड बढ़ गया, मतलब भारत के सामानों का वैल्यू, डिमांड जो है, मांग यूरोप में बढ़ गया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, लैंड रूट्स टू इंडिया वेयर कंट्रोल्ड बाय अरब। आपको पता है ये आपका अफ्रीका है, ये आपका क्या है, अरब के देश, और यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ पर इंडिया है, तो पहले व्यापार होता था इधर से इधर, मतलब लैंड से। अब जब अरब के लोग क्या हुआ, आपको पता है कॉन्स्टेंटिनोपल में का युद्ध हुआ, तो टर्की ने कंट्रोल कर लिया, अरब के लोग जो हैं कंट्रोल कर लिए इसको, अरब के देश, तो यहाँ से जो लैंड का रूट जाता था वो ख़त्म हो गया, तो इंग्लैंड सोचा कि हम इधर से जाएंगे, है ना, जब ये ख़त्म हो गया ये वाला रूट तब इधर से जाएंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। और भारत के सामान का डिमांड बढ़ गया था, तो वो लोग चाहते थे यार कि भारत का सामान जो यहाँ पे बिक रहा है महंगा रेट में, तो क्यों ना हम यहाँ से सस्ता सामान लेके जाएं और इंग्लैंड में महंगा रेट में बेचें, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए वो चाहते थे कि अरब के लोग जो है पैसा ना कमाएं, क्योंकि पहले सामान यहाँ से यहाँ जाता था अरब, या अरब से यहाँ जाता, अरब के लोग बीच में कमीशन खाते थे, तो यहाँ के लोग को पैसा कम मिलता, तो ये सोचे कि हम डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट होंगे तो डायरेक्ट सामान लेके जाएंगे, पूरा पैसा हम ही खाएंगे,
तो इसे ये भी सही होगा। अगला है रिलीजियस हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियन एंड इस्लाम, बोला कि उस समय क्रिश्चियन जो ईसाई और इस्लाम के बीच में धर्म का युद्ध हुआ, तो ये भी सही है। वहाँ का जो पोप था, पोप जो वहाँ का राजा था मतलब धर्म गुरु, वो उसके बीच में और इस्लाम के बीच में लड़ाई होने लगा, तो वो चाहता था कि हम जो क्रिश्चियनिटी है उसको पूरा फैलाएँ। तो उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट था, सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन था, वो था आपका इंडिया। तो वो चाहते थे कि जो हम जो है यहाँ पर अगर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है धर्म परिवर्तन करेंगे। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरी दोस्तों इंडिया में आया। ये सब आपको लिंक समझना पड़ेगा। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसी में हम लोग प्रमोट किए थे कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है इंडिया में आ सकती है धर्म का प्रचार के लिए। ठीक है, आपको मैं बताया था चार्टर एक्ट जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे पहले, है ना। तो ये भी सही है कि इस्लाम और ईसाई में जब धर्म जब दुश्मनी बढ़ने लगी तो पोप जो है बोला कि हम लोग जो है डायरेक्ट रूट खोजो इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे तो अरब वाले बोलेंगे कि यार कि तुम क्यों जा रहे हो प्रचार करने, हम प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जब धर्म तो दोनों में जब लड़ाई हो गया तो हम इधर से डायरेक्ट रूट किया। हमें पूछा है करेक्ट, दोनों से तीनों सही है, तो हम जाएंगे डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिगार्ड्स टू द मिस्ल एमंग द सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बोल रहा है मिस्ल के रिस्पेक्ट संदर्भ में। मिस्ल आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। मिस्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। बोल रहा है मिस्ल जो था वो ग्रुप ऑफ आर्म्ड ऑफिसर्स था फाउंड बाय राजा रंजीत सिंह। बोल रहा है महाराजा रंजीत सिंह ने मिस्ल को बनाया था और मिस्ल जो था आर्म्ड ऑफिसर का एक ग्रुप था। ठीक है, मतलब जो अच्छे अच्छे ऑफिसर थे, आर्म ऑफिसर थे, उसका एक क्या था, ग्रुप था। इसको बनाया कौन था, राजा रंजीत सिंह। ये पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा है कि मिस्ल वेर डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मिस्ल जो था वो लोकतांत्रिक था और समानता के सिद्धांत पे आधारित था। तीसरा है मिस्ल वेर फॉर्म टू प्रोटेक्ट पंजाब फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, बोला नादिर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हम लोग जो है मिस्ल बनाए थे। ठीक है, और बोल रहा है चौथा कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए मिस्ल आपको पता है, मिस्ल जो है एक पर्शियन टर्म है उर्दू का टर्म, इसका मतलब होता है इक्वल, मिस्ल का मतलब ही होता है इक्वल। ठीक है, तो ये यही कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक पे बेस्ड था, ये सही है। आप देखते हैं बाकी गलत क्यों था। तो मिस्ल बोल रहा है, मिस्ल को बनाया था रंजीत सिंह। देखिए रंजीत सिंह बनाया नहीं था, मिस्ल को जो बनाया था वो रंजीत सिंह के दादा वादा या उसके जो है सीनियर सिटीजन थे वो बनाए थे। ठीक है, कौन बनाया था, सीनियर सिटीजन। शुकर चकिया एक मिस्ल था, टोटल 10-12 मिस्ल थे, उसमें से एक जो मेन 12 मिस्ल थे उसमें से जो एक मेन मिस्ल था वो शुकर चकिया मिस्ल था। और शुकर चकिया मिस्ल का जो है वो महाराजा रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह मिस्ल को बनाया नहीं था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, तो ये हमारा गलत होगा। फिर मिस्ल वेर फॉर्म टू प्रोटेक्ट पंजाब फ्रॉम इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, ये भी गलत है। मिस्ल इसलिए बनाया गया था कि अहमद शाह अब्दली के अत्याचार से लड़ने के लिए। जब नादिर शाह चल गया था तो अहमद शाह अब्दली इंडिया में जो है अटैक करने लगा, है ना, जिसके समय में जो है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक, 1761 के आसपास। तो जब नादिर शाह भी चला गया तो उस समय क्या हुआ कि नादिर शाह गया तो पूरा एरिया को तोड़ मरोड़ दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, जब वो गया तो छोटे छोटे जो है रूलर रहने लगे। तो मिस्ल क्या किया, इनको ग्रुप करके बनाया गया। ठीक है, किसके बाद, नादिर शाह के बाद नहीं, अहमद शाह अब्दली के बाद, ताकि सिख का जो कम्युनिटी हो वो स्ट्रांग हो। ठीक है, इसलिए मिस्ल बना था। तो ये भी गलत है और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बी है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रीजन्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर फ्रेंच इन कॉलोनाइजिंग इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोल रहा है कि क्या कारण थे कि ब्रिटिश जो है सफलता पा लिया भारत में और फ्रांस नहीं पाया। मतलब कहने का मतलब है कि ब्रिटेन क्यों जो है सक्सेस भारत में पाया। एक लॉजिक मैंने दोस्तों बताया था, एक ट्रिक, वो ये बोला था कि कोई भी चीज़ अगर अच्छा होता है तो उसका अच्छा वाला चीज़ सही होता है, है ना। अगर आम है तो बोलेगा आम से विटामिन ए मिलता है जिससे शरीर में इम्यूनिटी आता है, तो चूँकि आम अच्छा है तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि आम से विटामिन ए मिलता है उससे शरीर हेल्दी होता है। ठीक, तो ब्रिटिशर क्यों जो है फ्रांस से अच्छा था, मतलब ब्रिटेन का हमको इसमें अच्छा ही बताना है, पॉजिटिव बताना है, तो हम वो स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें ब्रिटेन को अच्छा बताया जा रहा है। पहला, अनलाइक द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, बोल रहा है कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के तुलना अपोजिट
जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत उसको जो है सरकार उसको जो वहाँ की सरकार थी वो पूरे तरह से कंट्रोल में रखती थी और जकड़ के रखती थी। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसमें नेगेटिव सेंस में बता रहा है कि ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर पूरा सरकार का नियंत्रण था। दोस्तों किसी चीज़ पर जब सरकार का नियंत्रण होता है तो वो फ्री तरीका से काम नहीं कर पाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएगी, इससे वो कमज़ोर पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमको नेगेटिव में दिखा रहा है कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को नेगेटिव में शो कर रहा है। ये जो फीचर है दोस्तों कि गवर्नमेंट कंट्रोल था वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसीलिए वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिसीजन तुरंत नहीं ले पाती थी। आपका युद्ध कहीं से हो रहा है, कोई अटैक कर रहा है, अगर सरकार का कंट्रोल है तो उसको परमिशन जो लेना पड़ता है वो फ्रांस से लेना पड़ता था, इसीलिए वो स्लो काम करती थी। लेकिन ब्रिटेन जो ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो फैसला लेता था वो यहीं के कमांडर रहते थे, वही लेते थे, इसलिए ट्रूप्स का मूवमेंट जो होता था, सेना का जो मूवमेंट होगा, आवागमन, वो तुरंत फास्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये स्टेटमेंट नेगेटिव में दिखा रहा है, इसलिए पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स देयर वाज ए लैक ऑफ एबल्ड लीडर्स एंड कमांडर्स ऑन फ्रेंच साइड। बोल रहा है कि जो फ्रांस में जो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में उसका जो नेता था और उसका जो कमांडर थे वो बहुत कमज़ोर थे, तो ये सही है। इसमें क्या बता रहा है कि ब्रिटेन का जो कमांडर था वो बहुत स्ट्रांग था, मतलब पॉजिटिव में शो कर रहा है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों, है ना, तो हमारे टू होना चाहिए, तो हमारा आंसर मिल गया 2 और 4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को पढ़ना भी नहीं पड़ा, तो ये एक नया ट्रिक है ना, तो यही छोटे छोटे ट्रिक आपको समझ में धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कराते जाऊँगा, और आपका देखिएगा दीजिए आप 28 मई को प्रीलिम्स, फिर आपसे मैं खुद ही फीडबैक लूँगा, आप बोलेंगे सर मेरा प्रीलिम्स जो है क्रैक हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने बहुत अपने को तपाया है। 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना आसान बात नहीं है, पूरा लॉजिक के साथ और वो करना, ठीक है, सॉल्व कर, हमें सिर्फ आपको आंसर बताने करा था तो मैं डायरेक्ट बोल देता ये गलत है ये सही है, ये जो है गलत है और ये सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 और 4, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्यों वो स्टेटमेंट गलत है और इस तरह से लॉजिक का अप्लाई करके, तो ये मेरा नेगेटिव ये पॉजिटिव। बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं कि फ्रेंच वेयर मोर इंटरेस्टेड इन कॉमर्शियल इंटरेस्ट वेयर द ब्रिटेन वेयर फोकस ऑन पॉलिटिकल। वो फ्रांस का जो था वो व्यापार को ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो राजनीतिक को ध्यान देता था। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन आपने पता है ब्रिटेन जो है व्यापार पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वो चाहता था कि व्यापार से खूब सारा पैसा कमा ले, और धीरे धीरे हम एरिया जब कैप्चर करेंगे तो उसके लिए जो हमको लड़ाई वड़ाई के लिए पैसा चाहिए वो हम आराम से दे पाएँ, इसीलिए वो फोकस करता था। कॉमर्स भी मेरा चलता रहे, वाणिज्य भी चलता रहे, और हमारा राजनीतिक शक्ति भी प्रमोट होते रहे। इसके अपोजिट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो चाहती थी पावर को कैप्चर करना, इसीलिए वो व्यापार पे उतना फोकस नहीं करती थी, इसीलिए वो कंपनी बहुत क्या थी, कमज़ोर थी, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप युद्ध कैसे लड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव में दिखा रहा है कि ब्रिटेन जो था सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, उसका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, गलत है, दोनों इसका इंटरेस्ट था, कॉमर्स भी करता था और हथियाने का भी जो है पावर रखता था। अगला है, ब्रिटेन की जो नेवी थी, ब्रिटेन हैड ए सुपीरियर नेवी एज कम्पेयर टू फ्रेंच। ब्रिटेन की जो नेवी थी वो सुपीरियर थी, अच्छा थी, तो ये भी हमको पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो हम लोग देखिए पॉजिटिव का ये नहीं हो सकता नेगेटिव, पॉजिटिव का ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का यही होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2 और 4 ही होगा, तो हम जाएंगे सी में, समझ गए दोस्तों। ये एक नया ट्रिक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आपको आते जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नैनो लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यूरिया आपको समझ में आता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, और लिक्विड मतलब पानी है, और नैनो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, तो ऐसा यूरिया जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अभी यूरिया क्या होता है, बोरा में लाते हैं और छिड़क देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एक बॉटल में होगा यूरिया और छोटे छोटे उसको उसमें पाइप लगे होंगे, उसे हम लोग छिड़क देंगे, मतलब बहुत कम मात्रा में निकलेगा, और लेकिन प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी जो होगा उत्पादकता होगा वही रहेगा, काम वही करेगा, लेकिन कम जो है अमाउंट में और कम पैसे में, तभी ना हम लोग लेके आए हैं, तभी तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा चीज़ के बारे में, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है, अब हम पॉजिटिव इसका ढूंढेंगे। पूछा है करेक्ट क्या है, सही क्या है। इट हैज़ बीन इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन इंडिया। बोल रहा है कि इसको भारत के लोगों ने डेवलप किया, तो अच्छी बात है, ये भारत को अच्छे रिस्पेक्ट में दिखा रहा है। दूसरा है, इट्स एफिशिएंसी इज मच हायर इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल यूरिया। बोल रहा है जो परंपरागत यूरिया है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो एफिशिएंसी है, इसका जो प्रभावशीलता है वो अच्छा है, तो ये भी बता रहा है सही में, पॉजिटिव में। बोल रहा है इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत कॉस्टलियर है, मच कॉस्टलियर इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल यूरिया। भारत के लोग जो भी प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों वो तो कम ही रेट में करेंगे ना, और कम रेट में करेंगे तभी तो उसको भारत ने जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और अभी तभी तो क्वेश्चन यूपी से पूछा है, नहीं तो महंगा होगा तो क्यों पूछेगा। और वैसे भी ये देखिए लिक्विड नैनो यूरिया का पॉजिटिव को ये नेगेटिव में दिखा रहा है,
तो पॉजिटिव का जो पॉजिटिव पॉजिटिव सही होगा, हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे टू वन एंड टू की ओर, क्योंकि यही दोनों पॉजिटिव है, डी होगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रीवेलेंस ऑफ स्लेवरी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है कि भारत में जो दास्तक था अंग्रेज के टाइम में, उसके रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडियन स्लेव्स वेयर परचेज ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स एंड वेयर नॉट ट्रेडेड लाइक अफ्रीकन स्लेव्स। बोल रहा है कि इंडिया का जो दास थे उनको सिर्फ खरीदा जाता था घरेलू कामों के लिए, वो जो है उनका व्यापार नहीं किया जाता था जैसा अफ्रीका के स्लेव का किया जाता था। देखिए दोस्तों, जो कॉलोनियल पीरियड में जो दास्ता था वो नेगेटिव था, गलत चीज़ था ना, तो उसका सही चीज़ होगा क्या? अंग्रेज कभी भी अच्छा हो सकता है क्या? सब अंग्रेज तो अच्छे नहीं, ख़राब नहीं हो सकते, कुछ हो सकते अच्छा, कुछ काम किए होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो क्या उसको सिर्फ डोमेस्टिक काम के लिए यूज़ किया जाता था? क्या वो भारत में ही सिर्फ मतलब पोछा वोछा लगाते थे अंग्रेज़ के घर पर? नहीं, आप लोग सुने होंगे यहाँ के लोगों को जो है मजदूरी के रूप में ले जाते थे विदेश, जैसे मालदीव्स ले जाते थे, वेस्ट इंडीज ले जाते, इसीलिए वहाँ के लोग अभी भी वहाँ पर इंडिया में अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को लेके गया है कौन? अंग्रेज़ उनको लेके जाता था वर्कर के रूप में विदेश, मतलब दूसरा देश, और वहाँ पे जो ब्रिटिश प्लांटर्स होता था, जो प्लांट करता था, बड़े बड़े जिनका खेत होता था, वहाँ पे चाय के लिए कॉफ़ी के लिए उनको ले जाता था और वहाँ पे काम करवाया जाता था स्लेव के रूप में। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती थी, तो सिर्फ उनको इंडिया में काम करने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि अंग्रेज उनको अफ्रीका में भी ले जाते थे और वो काम वाम करवाते थे दूसरे देश में। और वैसे भी देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लेव्स का कंडीशन को बेटर बता रहा है, मतलब अंग्रेज़ को कुछ हद तक अच्छा बता रहा है, लेकिन ये गलत होगा। स्लेव्स का कंडीशन तो पूरी तरह से ख़राब ही था, उसको बाहर भी ले जाते थे। दूसरा, स्लेव्स इन इंडिया वेयर यूजुअली ट्रीटेड एज हेरिडेटरी सर्वेंट। बोल रहा है कि तो पहला अगर मेरा गलत है दोस्तों, तो मेरा ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गया। जैसे ही कोई गलत होता है, आपको पहचानते हैं कि आप ये गलत है, तुरंत आप ऑप्शन किया है और ये गलत करते हैं, तो आपको आपको दिमाग में हल्कापन महसूस होगा कि आपको मात्र दो ऑप्शन के बीच में सही करना है। ठीक, तो हम लोग को जो है तीसरा देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा जो है वो गलत ही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन में है ही नहीं। जिसको हम लोग काट दिए उसको तो देखना ही नहीं, इनमें तीसरा है नहीं, तीसरा गलत हो गया। अब देखिए, अब चेक करना है कि चौथा तो दूसरा इसमें सही है, तो दूसरा सही होगा। फिर देख भी लीजिए कि इंडिया में जो दास होते थे वो हेरिडेटरी होते थे, मतलब अगर बाप किसी का नौकर है अंग्रेज में, तो उसका बेटा भी नौकरी करता था। ऐसे ही देखा ही जाता बहुत सारे मूवी में, पुराने मूवी में आप देखे थे कि बाप काम करता था, फिर उसका बेटा भी उसी घर में काम कर रहा है ना। तो ये हमारा सही होगा। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया था स्लेवरी हटाने का। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट में कुछ कुछ अच्छे लोग थे, जैसे आपका बेंटिक था, लॉर्ड एलन बरो था, ये सब जो है स्लेवरी बना हटाने के लिए कुछ काम किए थे। एलन बरो ने काम किया था कि हम लोग स्लेवरी को हटाएंगे, और 1843 में कानून बना के स्लेवरी हट गया था इंडिया में। ठीक है, कुछ हद तक तो हमारा ये सही होगा। और वैसे भी देखिए, कोई स्टेप उठाया होगा, थोड़ा सा भी, मान लीजिए 1% भी हटाया तो होगा स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए। तो ये सही है, ये सही है। दूसरा और चौथा तो हम जाएंगे बी की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू सन्यासी रिवेलियन के संदर्भ में, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इट वॉज करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मुस्लिम सेंट्स। तो सन्यासी रिवेलियन जो था वो भारत के लिए पॉजिटिव चीज़ था ना। तो बोल रहा है कि इसमें मुस्लिम्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये बता रहा है कि उस समय भारत जो बटा हुआ था। इस स्टेटमेंट का मतलब यही ना हुआ, अगर एक पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दूसरे को कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है उस एरिया में, तो ये गलत होगा। क्योंकि मुस्लिम, आपको पता है, सन्यासी रिवेलियन को फकीर रिवेलियन भी, फकीर विद्रोह भी बोलते हैं, और फकीर जनरली कौन होते थे? मुस्लिम जो सेंट होते थे, मुस्लिम जो है साधु संत होता था। ठीक, तो ये गलत, तो पहला जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि मुस्लिम भी किए थे, तो हम पहला को काट दिए क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट। ठीक, अगला देखते हैं, इसका मतलब तीसरा जो है वो हमारा सही है इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो ये सही हो गया कि बंगाल में जो भुखमरी हुआ था, फेमिन हुआ था 18वीं सेंचुरी में, उसके कारण जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। बोल रहा है मतलब सन्यासी विद्रोह का एक कारण बंगाल का भुखमरी था, बंगाल में जो फेमिन हुआ था वो था। ठीक है, तो तीसरा मेरा क्या है? सही। दूसरा देखते हैं, देवी चौधरानी रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन दिस रिवेलियन। बोल रहा है देवी चौधरानी एक नॉवेल था जो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
तो आपको पता है बंकिम, तो ये जो अगर आपने तीसरा सही किया तो आपको चेक करना है कि दूसरा सही होगा कि नहीं। तो आपको पता है बंकिम चंद चटर्जी जो है या चट्टोपाध्याय दोनों एक ही आदमी थे, ये दो बुक लिखे थे। एक लिखे थे आनंद मठ, जो डील करता है सन्यासी रिवेलियन से, सन्यासी विद्रोह से, जो हुआ था आपका 1770 के आसपास, ठीक। और दूसरा देवी चौधरानी भी यही लिखे थे। तो आप अभी आप याद कर लिए, अगर आपको याद नहीं है तो देवी चौधरानी और आनंद मठ कौन लिखे हैं? बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। देखिए दोस्तों, अगर हिस्ट्री में आपको पता है कि ये वाला चीज़ ये नहीं है, तभी आप उसको गलत कीजिएगा। जनरली हिस्ट्री में फैक्ट जो देता है, अगर आपको पता है कि ये फैक्ट गलत है पूरी तरह से, तब आप उसको काट दीजिए। और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फैक्ट जो होता है, जैसे कोई नोवेल का नाम या किसी प्लेस का नाम या कोई डेट, तो जनरली आप उसको सही मार के आएंगे अगर आपको पता नहीं है तब। और अगर पता है कि ये गलत चीज़ है, तो उसको आप गलत मानिए, या सही है तो सही करिए, ठीक। तो हमारा जो ये सही होगा, तो हम जाएंगे 2 एंड 3 की ओर, हमें पूछा है करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनी पॉपुलर रेजिस्टेंसेस ऑकर्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ दिज पॉपुलर रेजिस्टेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बोल रहा है कि बहुत सारा विद्रोह 18वीं सदी में ब्रिटेन के विरुद्ध लोगों ने किया, क्या क्या कारण था ये विद्रोह का, क्यों लोग विद्रोह करते थे, ठीक है। मतलब हमें बताना है, अब विद्रोह लोग कर रहा है, विद्रोह कर रहा है मतलब लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मान लेते हैं वो प्रॉब्लम नेगेटिव है। लोग का प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव है ना, लोगों को दिक्कत को हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि हाई लैंड रेवेन्यू, मतलब लोगों को कष्ट है तभी विद्रोह किया ना, तो हमें कष्ट का कारण जानना है, तो हम कष्ट को मान लिए नेगेटिव। तो देखिए, हाई लैंड रेवेन्यू चार्ज बाय द ब्रिटिशर, ब्रिटिशर हाई लैंड रेवेन्यू चार्ज करते थे, तो लोगों को कष्ट होगा, ज़्यादा अगर टैक्स देंगे तो कष्ट होगा ना। पहला था ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल क्लास सच एज मनी लेंडर। बोल रहा है कि मनी लेंडर जैसा एक नया साहूकार बनिया, जैसा नया जो है वर्ग का जन्म हुआ, तो वो लोग ज़्यादा ब्याज दर चार्ज करता था, तो उससे भी लोगों को क्या हुआ? कष्ट हुआ। फिर बोल रहा है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिस्ड बाय ब्रिटिशर। ब्रिटिशर जो है भेदभाव का व्यापार का नीति लाते थे, ठीक है। तो ये भी गलत है, गलत चीज़ है, इससे भी लोगों को कष्ट होगा। भेदभाव करेगा अगर, तो जो इंडिया के लोग होंगे व्यापार नहीं कर पाएंगे, जो ब्रिटेन के लोग होंगे व्यापार कर पाएंगे, तो भारत के लोगों को कष्ट है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन बाय द ब्रिटिश सच ए न्यू लीगल सिस्टम। अंग्रेज जो है नया कानून व्यवस्था लेकर आए थे, तो नया कानून व्यवस्था लेके थे, नया जो है पुलिस वुलिस होगा, नया थाना चौकी होगा। तो आपको पता है कि उस समय जब नया थाना चौकी आया था, तो कानून जो है डिफ़िकल्ट हो गया था, कानून डिफ़िकल्ट हो गया था, तो जो उसमें करप्शन वरप्शन भी बढ़ चुका था पुलिस में, जुडिशियरी में, है ना, तो लोगों को कष्ट होगा नया कानून व्यवस्था से, तो ये भी नेगेटिव है। फिर है कि हॉस्टिलिटी ऑफ प्रिस्टली क्लास अगेंस्ट ब्रिटिशर, ब्रिटिशर का के अगेंस्ट विरोध में जो है, जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, जो संत वंत थे, वो विद्रोह करते थे, सही है, क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो लोगों के धर्म में मतलब हस्तक्षेप करने लगा ना। जैसे कि 1857 के क्रांति में आपने देखेंगे कि जो है गाय का चर्बी वाला वो लेके आया था। 18वीं सेंचुरी में अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मिशनरी ये सब जो है धीरे धीरे आई थी, तो 1813 में ऑफिशियल रूप से, लेकिन उसके पहले भी जो है धीरे धीरे करके आती थी। फिर उसके बाद वो इंडिया का जो अभी हमने देखा सन्यासी विद्रोह हुआ, क्योंकि वहाँ पे उनके जो मंदिर वंदिर जो सन्यासी लोग जाते थे, फकीर लोग गुरुद्वारा वो जाते थे, जहाँ पे मस्जिद वस्जिद, उस पर वो लोग बैन कर दिए कि नहीं जाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा नेगेटिव है, लोगों को कष्ट है। अब हम लोगों को नेगेटिव का नेगेटिव देखना होगा, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव का नेगेटिव ही सही होगा। तो पांचों ऑप्शन नेगेटिव है, हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 में। तो ये भी एक ट्रिक है दोस्तों, ये प्लस का प्लस सही, नेगेटिव का नेगेटिव सही, ठीक है। और लॉजिक आपको अप्लाई करके धीरे धीरे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली यूरोपियन पावर्स इन इंडिया द कार्टाज सिस्टम। कार्टाज, ये बताइए, कार्टाज आप सिस्टम जो पढ़े हैं कहीं भी वर्ड या पढ़े होंगे, तो ये आपको कहीं कहीं पुर्तगाली टाइप नहीं लग रहा है कि ये पुर्तगीज होगा टर्म? क्या ये आपको इंग्लिश वाला टर्म लग रहा है? इंग्लिश टर्म होता तो क्या लिखा होता? कुछ लिखा होता यार, बाइनोमियल या जैसे परमानेंट सेटलमेंट, ये इंग्लिश नाम है। लेकिन अल्फांसो डू अल्बुकर्क, ये कितना मतलब लग रहा है कि आपको अंग्रेज का नाम है? नहीं, ये किसका नाम होगा? जनरली पुर्तगाली का है ना। फ्रांसिसो डी अल्मीडा, वो ये पुर्तगाली नाम है कि नहीं? जॉन सोर, ये सब आपका इंग्लिश का नाम है। विलियम हॉकिंस, ये सब आपका इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो कार्टाज जो होगा वो पुर्तगाल लिखाना होगा, तो जहाँ भी पुर्तगीज दिया है हम उसको डायरेक्ट ऐसे करके मार देंगे। लेकिन बाकी जहाँ पे अंग्रेज दिया है, फ्रेंच तो है नहीं, कार्टाज ये नहीं होगा, डच भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक। तो जो कार्टाज सिस्टम था, हम लोग सिर्फ नाम के आधार पर मार दिए सही है ना।
तो एक ये भी ट्रिक है कि नाम के अनुसार ही, जब आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आप नाम को डिकोड कर लीजिए, और डिकोड करने के बाद उसको जो है आप उससे सॉल्व कीजिए। एक बार पूछा था यूपीएससी क्वेश्चन, अगर हट्टा, अगर हट्टा क्या है, तो अगर हट्टा को आप पढ़ेंगे जल्दी जल्दी तो हट्टा, हत्ता हाथ कुछ आएगा, हाथ, और अगर मतलब आगे, आगे हाथ है। तो एक क्वेश्चन दिया था, ये वाटर से रिलेटेड है, पानी भरने से रिलेटेड, जिसमें व्हील लगा होता है ऐसा कुछ। तो हाँ, जब भी आप पानी भरेंगे चापाकल से दोस्तों, तो हाथ को चलाएंगे ना, और आगे आपकी बाल्टी होगी, पीछे हाथ होगा। तो इस तरह से आप जो है ट्रिक के थ्रू जो है मतलब जो टर्म को डिकोड कर लीजिए उससे। एक बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एक आदमी का नाम दिया था, देबोरकर करके कुछ नाम था, और बोल दिया था, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आया आ याद आ रहा है, देबोरकर जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसमें एक आदमी का नाम था देबोरकर, और दिया था पहला ऑप्शन, इट इज़ रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। अब देखिए, देबोरकर, देबोरकर जैसा कोई और नाम है, संजय मंजरेकर, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, तो इसमें कर आ रहा है ना, तो कर मतलब समझ लीजिए कि क्या होगा, जनरली मराठी है, हम गेस कर रहे हैं, और गेस कर रहे हैं, लॉजिक ब्लाइंड गेस नहीं हो रहा है, तो देबोरकर कर रहे हैं तो मराठी, तो वेस्ट बंगाल वाला ऑप्शन कैसे सही होगा, तो ये काट दिया। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं आप आंसर मिल जाता आपको। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आप फंस रहे हैं, नहीं कुछ आ रहा है, तो आप नाम को भी डिकोड करिए अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब जो ट्रिक हैक है, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको मेरे साथ जो है 25 मई तक डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप पूरा कमांड कर पाएंगे, फिर प्रीलिम्स आपको निकालने के लिए कोई भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर एनुअल दरबार मूव। बोल रहा है कि जो जम्मू और कश्मीर वार्षिक जो दरबार का जो मूवमेंट होता है, मतलब आवागमन होता है, मतलब एक साल एक अब यहाँ रहेगा दरबार, फिर यहाँ चले जाएगा, यहाँ रहेगा, यहाँ एनुअल वार्षिक साल में होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कौन क्या, किसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का वार्षिक दरबार का मूवमेंट बोलते हैं। पहला है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मूविंग द सिविल सेक्रेटेरिएट एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। तो बोल रहा है इसमें क्या होता था पहले, कि जो सरकारी ऑफिस दफ्तर होता था और जो सिविल का सचिवालय होता था सिविलियन का, उसका मूवमेंट होता था श्रीनगर से जम्मू। ठीक है, ये कुछ हद तक सही लग रहा है कि ठीक है भाई, साल में मूव करता होगा, और साल में चूंकि जम्मू कश्मीर में गर्मी भी रहता है, ठंडा भी रहता है, तो ठंडा जब पड़ता होगा बहुत ज़्यादा श्रीनगर में, तो वो जम्मू आ जाते होंगे। ठीक है, और जब गर्मी पड़ती होगी तो वो लोग जम्मू से उठ के श्रीनगर चले जाते होंगे ठंडा के लिए, ये हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। एन एनुअल इवेंट ऑफ होल्डिंग एन ओपन हाउस फॉर हियरिंग पब्लिक ग्रीवांस इन हरी सिंह पैलेस। बोल रहा है कि साल में एक जैसा ये मूवमेंट होता, एक मतलब एक दरबार लगता था जहाँ पे लोगों का ग्रीवांस सुना जाता था, ये सही होता अगर टर्म होता एनुअल दरबार, लेकिन यहाँ पे मूव है, मतलब कुछ चीज़ मूव कर रहा है, तो यहाँ भी मूव है और यहाँ भी मूव है, मतलब ये चांस होने का है। ठीक है, तो हमारे ये गलत होगा, क्योंकि मूव के रिस्पेक्ट में इसको हमने गलत किया है। पहला, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक ऑफिसर टू विजिट रूरल, बोल रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर, बोल रहा है ये आवश्यक रूप से एक मैंडेटरी आवश्यकता था कि जो पब्लिक ऑफिसर हैं, जो सरकार के नौकर हैं, वो गांव में जाएं, तो ये कुछ जम नहीं रहा है दोस्तों, ये तो ठीक है जा रहा है, तो क्या साल में एक ही बार जाएगा क्या, है ना, ये कुछ अच्छा चीज़ नहीं लग रहा, उसकी तो ड्यूटी है कि वो गांव में जाकर सर्विस करेगा, तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर एनुअल दरबार, दरबार का क्या मतलब है, क्या ये दरबार लगा रहा है क्या, ये गलत होगा। फिर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज समर रिट्रीट टू श्रीनगर, बोला कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ठंडी की छुट्टी में श्रीनगर चले जाते हैं, तो ऐसा है कि आपने कभी सुना है क्या कि जो अभी द्रौपदी मुर्मू है या प्रतिभा पाटिल, वो श्रीनगर में जाके ठंडा मतलब बिताते थे गर्मी, तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैसे चलेगा, समर सेशन होता है ना पार्लियामेंट में ग्रीष्म काल, तो उसमें बिना प्रेसिडेंट के साइन के बिल तो बनेगा नहीं, तो क्या बाल बार बिल को हम श्रीनगर भेजेंगे गर्मी में, लॉजिक लगाइए, ये गलत होगा, तो हमारा क्या होगा, ये सही। ठीक है, लॉजिक कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा लॉजिक बना के सॉल्व कीजिए अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो। अगर आपको डायरेक्ट पता है, मान लीजिए आर्टिकल 13 क्या है, या पूछ रहा है कि संविधानवाद क्या होता है, तो आप बनाइए, या फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट आपको पता है तो बनाइए, उसमें कुछ नहीं है लॉजिक लगाना, लेकिन आपको जहीं नहीं फंस रहे हैं तो आप लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिए,
आपको हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता होगा ना, नॉलेज आपकी लिमिटेड है। हम लोग थोड़ी 30-35 बुक पढ़ लेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा नॉलेज हो जाए फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा। आप मिनिमम सोर्सेज को पढ़िए जो सब पढ़ रहे हैं, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तब आप देखिए आपका प्रीलिम्स कभी नहीं जो है रुकेगा, हमेशा पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बोल रहा है 19वीं सदी में के प्रथम जो है हाफ में, मतलब 1850 के आसपास, ठीक है, यही हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दोस्तों कहाँ हुआ, औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई, ब्रिटेन में। उसका प्रभाव भारत में कैसा पड़ा था, नेगेटिव, हम लोग पढ़े हैं ना, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत में नेगेटिव पड़ा होगा। अंग्रेज को अच्छा इंसान थोड़ी था कि उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, कुछ कुछ अच्छे थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति अगर ओवरऑल देखें तो उसका प्रभाव तो नेगेटिव ही पड़ा होगा, तो हम लोग को नेगेटिव चीज़ का नेगेटिव देखना है। बोल रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रुइंड, मतलब बोल रहा है कि भारत का जो हथकरघा उद्योग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये नेगेटिव में बता रहा है भारत का, ठीक है भाई खराब हो गया, ख़त्म हो गया। ये बोल रहा है कि मशीन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। बोल रहा है कि भारत के जो उद्योग थे उसमें मशीन बहुत आने लगा, मतलब ये पॉजिटिव बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का प्रभाव भारत में पॉजिटिव पड़ा, कि मशीन खूब आने लगा और भारत खूब तरक्की करने लगा, सोने की चिड़िया बन गई और दूध का गंगा बह गया, वो बोल रहा है ये, ठीक है। अगला देखते हैं कि रेलवे लाइंस वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेलवे लाइंस पूरा भारत में चारों तरफ फैल गया, बहुत पार्ट में। ऐसा होगा कि अंग्रेज इतना सीधा थे क्या, अंग्रेज तो धर बदमाश था, तो वो कभी भी चाहता था कि वहीं पे वो रेलवे का लाइंस बिछाएगा जहां पे उसको अपना सामान बेचना होगा, नहीं तो भारत के हर कोने में जो है रेलवे लाइंस बिछता। लेकिन क्या पूरा इंडिया में गाँव कनेक्टेड है, नहीं, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड नहीं है, जम्मू कश्मीर में उतना ट्रेन नहीं है, उसके बाद आप देखिए झारखंड वारखंड छत्तीसगढ़ में वहीं पे मतलब रेलवे लाइन है, जो कोलफील्ड एरिया था, जो खदान जहाँ पे थे, जहाँ पे आयरन निकलता था, सब जगह तो नहीं है। तो अंग्रेज तो इतना थे नहीं कि सब जगह लाइन बिछाएंगे, ये तो आपका जो पॉजिटिव बता रहा है कि औद्योगिक क्रांति का भारत पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव तो नहीं पड़ा था। हैवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। बोल रहा कि ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चरर थे वो जब भी सामान भारत में इंपोर्ट करते थे, मतलब बना के भारत में भेजते थे औद्योगिक क्रांति में, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, मतलब वो सामान भारत में महंगा हो जाता था, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि भारत बाहर से सामान जब ब्रिटेन का सामान जब भी इंडिया में आएगा तो उस पर अगर टैक्स लगेगा तो वो रेट बहुत हाई हो जाएगा उस सामान का, तो वो सामान जो है इंडिया में नहीं बिकेगा, ब्रिटेन का सामान इंडिया में नहीं बिकेगा। लेकिन ऐसा हुआ था क्या, औद्योगिक क्रांति के बाद इंडिया का जो खुद का इंडस्ट्री था वो ठप पड़ गया, यहाँ के जो हथकरघा उद्योग थे वो ठप पड़ गया। तो क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत कम टैक्स लगाए थे अपने सामान पे, जो उनका सामान बेचना होता था ब्रिटेन के सामान को एकदम 0% पे टैक्स लगाता था, तो ब्रिटेन का सामान इंडिया में बहुत कम रेट में बिकता था, लेकिन भारत का जो ओरिजिनल सामान है उस पर खूब टैक्स लगाते थे। इसके कारण इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो इंडिया का सामान आपको पता है कि ब्रिटेन में बहुत डिमांड में भी बिकता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति आया तो वो लोग टैक्स लगा के इंडिया का सामान को इंग्लैंड में बहुत हाई रेट कर दिए, इसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है ख़त्म हो गया। तो पहले ये तो बता रहा है कि जो है पॉजिटिव, कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पॉजिटिव पड़ा, कि ब्रिटेन का सामान महंगा हो गया और भारत का सामान सस्ता हो गया, ऐसा हुआ नहीं हुआ, गलती हुआ। और इससे भी देखिए पहला और डी जो है वो अपोजिट है, एक बोल रहा है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया और दूसरा बोल रहा है कि इनडायरेक्टली रूप से कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट अच्छा हो गया, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने सामान पे, मतलब उनके सामान पे टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया, इससे ब्रिटेन का सामान इंडिया महंगा हो गया और भारत का सामान बहुत सस्ता हो गया। तो ये तो गलत है, हमें जानना है नेगेटिव का नेगेटिव, तो हम जाएंगे ए की तरफ, समझ के दोस्तों। ये जो है ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना था और लॉजिक के आधार पर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुर्तगीज इन इंडिया। बोल रहे पुर्तगाल जब भारत में आए थे तो क्या क्या सामान लेके आए थे, कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, शुगर केन, मिर्च चिल्ली। देखिए हम सबसे पहले जानेंगे क्या नहीं लेके आए थे, ये बताइए। चीनी, शुगर केन से ही गुड़ बनता है, शुगर केन से ही चीनी बनता है। तो क्या अंग्रेज जब पुर्तगाल आए थे तो क्या उसके पहले हम लोग चीनी नहीं खाते थे क्या? खाते थे, मिठाई तो इंडिया का बहुत फेमस है, चीनी विनी हम लोग वैदिक काल से खा रहे हैं, गुड़ जो खाते थे, है ना। तो शुगर केन जो है बहुत पहले से हो रहा है इंडिया में, ठीक है, वैदिक समय से। तो पुर्तगाल ऐसा नहीं कि वो हम लोग को चीनी खिला, हम लोग चीनी बहुत पहले से खा रहे हैं, गुड़ ये सब, ठीक है। तो ये जो होगा नहीं होगा। तो चौथा अगर गलत हुआ तो मेरा एक ऑप्शन गया, क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट। फिर देखते हैं कॉफ़ी और चाय,
चाय के बारे में तो सब पता है, चाय लेके कौन आया था? अंग्रेज लेके आया था, पुर्तगाली नहीं। तो चाय जो होगा वो तीसरा गलत होगा, तो तीसरा गया। अब इसका मतलब है कि दो और पाँच दोनों में है, तो दूसरा और पाँचवा सही होगा। मतलब टोबैको सही है और मिर्चा सही है। मतलब तंबाकू, ये पुर्तगाली जो थे बदमाश थे, तो कभी भी जो है बढ़िया चीज़ नहीं लिखा है। क्या लिखा है देखिए, तंबाकू लिखा है मतलब खाओ और बीमार पड़ो, और नमक ये, और ये लिखा है मिर्च कि खाओ और लहराओ, पेट को लहरो। उसके बाद है कॉफ़ी, कॉफ़ी थोड़ी लेकर आया था दोस्तों। कॉफ़ी जो है इंडिया में बहुत पहले से हो रहा है ना। बाबा बुदान करके एक आदमी थे, सूफी सेंट थे, सूफी मतलब वो था पंडित, वो लेके आया था तो आपका कॉफ़ी है ना। तो कॉफ़ी वो ले पुर्तगाली लेके नहीं, कॉफ़ी हम लोग पहले से पी रहे हैं। तो हमारा जो है पहला गलत होगा, और जो है दूसरा और पाँचवा सही है, तो हम जाएंगे ये क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाय जो है वो लेके आए हैं अंग्रेज, और कॉफ़ी लेके आया है बाबा बुदान, और जो है चीनी बहुत पहले से कर रहे हैं शुगर केन, और मिर्चा और तंबाकू वो ला के आया है आपका पुर्तगाली। ठीक, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि जब भारत में नील की खेती करते थे तो उसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंडर द रैयत और रैयती सिस्टम द प्लांटर कल्टिवेटेड इंडिगो बाय इम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स ऑन लैंड कंट्रोल्ड बाय देम। बोल रहा है कि रैयती सिस्टम के समय क्या होता था, इस सिस्टम के अंतर्गत जो प्लांटर होते थे, प्लांटर मतलब जिसका खेत होता था, जो जिसका पूरा बड़ा सा जो खेत होता था उसको प्लांटर बोलते थे। तो प्लांटर क्या करता था, इंडिगो लगवाता था कैसे, तो बाय इम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स ऑन लैंड कंट्रोल्ड बाय देम। तो वर्कर के थ्रू, लेबरर के थ्रू क्या करता था, जो प्लांटर होता था वो नील की खेती करवाता था। इसका मतलब हो गया ये पहला, देखना आपको सही है गलत। दूसरा है, अंडर द नीजी सिस्टम द प्लांटर गिव साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद द पीजेंट्स एंड प्रोवाइड्स लोन्स फॉर कल्टिवेशन। बोला है नीजी सिस्टम के अंतर्गत क्या था, नीजी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्लांटर होता था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, एक अनुबंधन साइन करता था किसके साथ, किसानों के साथ, और उसको जो है लोन्स देता था कि लो किसान लोन जो है और अपना खेती करो, किसका, नील का। ठीक है भले दोस्तों। और तीसरा स्टेटमेंट है, एट द एंड ऑफ 19th century, 19वीं सदी के अंत में जो इंटायर इंडिगो कल्टीवेटेड लैंड वाज अंडर द नीज सिस्टम, पूरा जो ज़मीन था वो नीज के अंडर में था, नीज व्यवस्था के अंदर करते थे। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, ये बताइए कोई भी एरिया, पूरा गांव है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा एरिया में सिर्फ नीज व्यवस्था के अंदर नील की खेती हो सकता है, कहीं पर छोटा सा स्पॉट हो वहाँ पर जो है हम रायती सिस्टम हो वहाँ पर, है ना, पूरे एरिया में एक जैसा चीज़ सब नहीं हो सकता ना, कोई भी ऐसा है, कुछ भी चीज़ है जो पूरे एरिया में एक है, नहीं हो सकता। तो तीसरा मेरा गलत है, क्योंकि बोला इंटायर इंडिगो, जितना भी नील उगाया जाता था वो पूरा नीज से था, तो मैं तीसरा काटेंगे, कट कट कट, ठीक है, एक वन मिनट दोस्तों, अगर ये हमसे करेक्ट पूछता तो हम तीनों को काट देते, ठीक है, बोलते 1-2 सही है, लेकिन इसमें हमें पूछा है इनकरेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में देखिए गलत हो जाता अभी। उसके बाद देखिए, अब देखिए रैयत मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बताइए, रैयत किसको बोलते थे, किसान को। क्या इस स्टेटमेंट में कहीं भी किसान लिखा है, देखिए तो पढ़ाइए, प्लांटर किसान नहीं होता, प्लांटर तो वो होता है जिसको पास ज़मीन है, प्लांटर जो प्लांट करवा रहा है, किसके थ्रू, वर्कर के थ्रू, तो ये तो नहीं होगा, रैयत माने किसान। अभी इस स्टेटमेंट पर पढ़िए तो, द प्लांटर साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद पीजेंट, देखिए पीजेंट आ गया मतलब किसान, रैयत मतलब किसान। तो मैंने क्या बोला था, UPSC क्या करता है, एक चीज़ को दूसरे में जोड़ देता है, चेंज कर देता है, रैयत सिस्टम को नीज में डाल दिया, नीज सिस्टम और नीज को इसमें डाल दिया, तो हमारा ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि नीज में क्या होता था ये। तो अब देखिए, अब समझाएंगे, तो हमारा पूछा है करेक्ट, तो तीनों गलत होगा, समझाएंगे 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों समझा देते हैं, वैसे तो आप क्वेश्चन तो बना लिए। जो नील की खेती होती थी वो दो तरह से होती थी, एक होता था आपका नीज व्यवस्था के तहत, नीज व्यवस्था, और दूसरा होता था रैयत व्यवस्था, रैयत व्यवस्था। तो रैयत व्यवस्था में क्या होता था, जो प्लांटर होता था वो किसान को, छोटा जो प्लांटर मतलब जिसके पास बड़ा सा खेत है,
वो छोटे किसान को दे देते था लोन, और बोलता था इसको तुम यहाँ पे क्या करो, नील की खेती लगाओ। उसको हम लोग रैयत व्यवस्था बोलते थे, जहाँ पे जो प्लांटर होता था, बड़ा सा प्लांट का मालिक, खेत का मालिक, वो छोटे किसान को दे देता था लोन और बोलता था तुम यहाँ पे खेती लगाओ। निज व्यवस्था में क्या होता था, प्लांटर जो है वो खुद ही खेती करवाता था, खुद नहीं करता था, करवाता था किसके थ्रू, लेबरर के थ्रू, किसके थ्रू, वर्कर के थ्रू, मजदूर के थ्रू। तो इसमें बोल रहा है रैयत में कि वर्कर के थ्रू कराता था, ये गलत हो गया। ये बोलता था निज में किसके थ्रू, पीजेंट के थ्रू, ये गलत हो गया। अब रैयत का नाम हम क्या बोले, लॉजिक अप्लाई कीजिए, रैयत मैंने क्या, किसान, तो किसान गलत होगा ये वाला, क्योंकि इसमें मजदूर लिखा, ये गलत है, ये गलत, और ये तो आपका गलत है ही, क्योंकि पूरा एरिया में थोड़ी ना एक चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो हमने पूछा था इनकरेक्ट, तो हम जाएंगे डी। 24 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको हम लॉजिक से बनाएंगे। विथ रेफरेंस टू द अहोम रिवोल्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है अहोम रिवोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पेपर सॉल्व करने के लिए नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लॉजिक वॉजिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज के आधार पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितना चीज़ आप पढ़ेंगे बताइए, सब चीज़ लिमिटेड चीज़ पढ़िए, रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स। मैं बार बार बोलता हूँ, लिमिटेड होना चाहिए आपका सोर्स बहुत लिमिटेड रखिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए और प्रैक्टिस बहुत कीजिए, तब आपको जो है एक्यूरेसी आएगा, सही नॉलेज पता चलेगा और आपका जो है नंबर बहुत आएंगे। ठीक है, आराम से कट ऑफ करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द अहोम रिवोल्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अहोम रिवोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम विद्रोह, इट ऑकर्ड एलॉन्ग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये बोल रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ, उत्तर पश्चिम सीमांत जो क्षेत्र था उसमें हुआ। फिर अगला स्टेटमेंट है, द मेन रीजन फॉर दिस रिवोल्ट वॉज एनेक्सेशन ऑफ देयर लैंड बाय द लोकल लैंडलॉर्ड्स, बोल रहा है अहोम रिवोल्ट इसलिए हुआ, अहोम विद्रोह, क्योंकि वहाँ उनके अहोम लोगों का ज़मीन को वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे वो कैप्चर कर लिए, वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे वो अहोम लोगों का ज़मीन को कैप्चर कर लिए, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा है, द रिवोल्ट सक्सीडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, बोल रहे रिवोल्ट जो है पहला आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुआ, रिवोल्ट जो है पहला आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुआ, ये तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है, द रिवेलियन वॉज लेड बाय गोमधर कंवर एंड धनंजय बोरगोहन, बोल रहा है जो रिवेलियन था, जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व करता थे गोमधर कंवर और धनंजय बोरगोहन था। मान लीजिए दोस्तों इस स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे अहोम। अब देखिए अहोम किसको बोलते थे दोस्तों, असम को, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी बनाने का। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कौन सा हो गया, पाकिस्तान वाकिस्तान पंजाब वंजाब वाला, तो वहाँ के जनरली जो लोग होंगे दोस्तों उनका टाइटल सिंह होगा, होगा ना, सिंह होगा, या वो लोग जाट होंगे। यहाँ पे बोल रहा है गोमधर कंवर, ये थोड़ा बंगाली नाम है, और धनंजय, धनंजय नहीं है, धनंजय बोरगोहन, ये भी आपका बंगाली नाम है, मतलब ये असम वसाम का बंगाल का एरिया है। ठीक, और ये असम वसाम का एरिया है, और ये बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो दोनों साथ में हो सकता है क्या, नहीं, तो एक और चार साथ में नहीं हो सकता, वैसे दिया भी नहीं है। अब दूसरा देखिए अहोम जो है वो उसको असम का पुराना नाम है, तो जो चीज़ असम में है वो नॉर्थ वेस्ट में कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक, अब देखिए ये सही हो गया, मतलब चौथा हो सकता है, इसका नेतृत्व करता ये करते हो, क्योंकि नाम में भी क्या है बंगाली नाम है, और एरिया भी क्या है असम वसम का बंगाल का एरिया है। फिर देखिए इट वॉज सक्सीडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, ये जो हुआ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद में हुआ, मान लीजिए ये आपको पता है या नहीं पता है, तो देखिए दूसरा और तीसरा साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बर्मा युद्ध के बाद हुआ तो ये बर्मा युद्ध कौन लड़ा था, आंग्ल बर्मा मतलब अंग्रेज लड़े थे, मतलब विद्रोह हुआ होगा अंग्रेज के विरोध में हुआ होगा, ना कि वहाँ पे लैंडलॉर्ड के विरोध में, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही है वो होगा तीसरा एंड चौथा, हमें पूछा करेक्ट, तो हम जाएंगे बी। देखिए तो अहोम रिवोल्ट हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद पहला 1824-26 के आसपास, क्योंकि अंग्रेज बोला था कि हमको अभी तुम जाने दो बर्मा, तो बर्मा जाएगा तो असम हो के जाएगा, ये आपका असम है ये बर्मा है, तो अंग्रेज बोला हमको यहाँ से इधर जाने दो, ठीक है बस हमको इसको हरा देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज इसको हरा दिया, लेकिन जब वापस आया तो असम को भी कैप्चर करने का कोशिश किया, तो असम के लोग जो है विद्रोह किए, उसी को हम लोग अहोम रिवोल्ट बोलते हैं, और उसका नेतृत्व करता था गोमधर कंवर। ठीक, तो ये पहला बारहवा वार के बाद में हुआ ये सही है, और ये गोमधर कंवर किया, ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं हुआ है, और जो है इसको अंग्रेज के विरुद्ध हुआ, जमींदार के विरोध में नहीं हुआ, हमें पूछा करेक्ट, हम जाएंगे तीन और चार। दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में है, इसको भी जो है हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बाई पी जी आई। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पी जी आई मतलब परफॉर्मेंस को ग्रेड करना है, मतलब परफॉर्मेंस को देख के उसके बाद हम एक सूचकांक जारी किए हैं जिसका नाम है पी जी आई। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्ट में, इट एसेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये बोल रहा है कि यह स्कूल का शिक्षा जो था उसको देखता था जिला पे, कि जिला में जो स्कूल है उसका क्या कंडीशन है, उसके आधार पे ये सूचकांक देता था, रैंकिंग देता था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है इज वन ऑफ द सोर्सेज फॉर डेटा कलेक्शन फॉर पी जी आई। बोला नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्र जो है कितना हम लोग प्राप्तांक कितना प्राप्त किए उसका जो सर्वे करते हैं उसके आधार पर हम लोग रैंकिंग देते हैं, इंडेक्स जारी करते हैं। और तीसरा है केरला जो है हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन दिस इंडेक्स। केरला जो है वो सबसे ज़्यादा जिला है केरला से, हमें पता करना है करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो अगर मान लीजिए कोई शिक्षा से चीज़ है तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपको पता है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, शिक्षा मंत्रालय का है, मतलब पहला और दूसरा जो है वो साथ में सही होगा ना, कि जो चीज़ शिक्षा से है इसका मतलब चांसेस है वो कि शिक्षा उसका जो सर्वे करेगा वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही करेगा। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, तो पहला दूसरा होगा। ठीक है, तो केरला जो है से हाईएस्ट नंबर नहीं है, तो किससे हाईएस्ट नंबर है याद कर लीजिएगा, राजस्थान से। तो इस तरह से लॉजिक अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको अगर नेशनल एजुकेशन सर्वे नहीं पता होता कि कौन करता है तब हो सके नेशनल अचीवमेंट सर्वे, लेकिन नाम से देखिए कुछ चीज़ अचीव किया जा रहा है, अचीव मतलब कुछ प्राप्त किया जा रहा है, तो शिक्षा कहीं ना कहीं हो सकता है कि शिक्षा को प्राप्त किया जा रहा होगा, उसी के आधार पर स्कूल का हम लोग रैंकिंग देख लिए होंगे, है ना। तो ये लॉजिक लगा के हम लोग जो है आंसर की तरफ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो है 50 क्वेश्चन को किया। आप देख रहे थे जीरो आईएस, मेरा नाम है राहुल। हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं दोस्तों वो है डीपीपी, जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। और आपने देखा सिर्फ मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट क्यों गलत है और वो वाला स्टेटमेंट क्यों सही है, कहाँ कैसे हम लॉजिक अप्लाई करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, और नॉलेज का भी हम लोग को अच्छे से यूज करना है। ठीक, तो कम से कम नॉलेज मतलब जितना हो सके पॉसिबल बेसिक बुक्स को आप पढ़िए, आप उसको रिविजन कीजिए बेसिक बुक्स को नोट्स को, और देन उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस एक रास्ता है, एक जरिया है जिसके तरफ आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली आप बने रहिए, तभी आपको जो है आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, तभी आपको दिमाग उस तरह काम करेगा क्वेश्चन बनाने के जैसा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जीरो आईएस, मेरा नाम है राहुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।